हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो घर पे हमने जो नर्सरी उगा रखी है, जो पेड़ पौधे उगा रखे हैं उसके बारे में, और आपको दिखाते हैं कि हमने जो हमारी बाड़ी के अंदर जो पौधे उगा रखे हैं उसकी आपको विजिट करवाते हैं और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो ये अमरूद का पौधा है जिसके ऊपर माल आया हुआ है। ये देख सकते हो आप, अमरूद भी लग रहे हैं इसके। ये हमने हमारे घर पर उगा रखा, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा अमरूद आ रहा है। और दूसरा आप देख सकते हो इसके अंदर नया फाल भी आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पौधे के अंदर फुल फाल आ रहा है, आप देख सकते। ये देखिए ये अमरूद का पौधा है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसके अंदर भी अमरूद है, आप देख सकते हो। क्या आप देख सकते हो, देख सकते हो जो चिड़िया वगैरह इनको ख़राब करती है, इसीलिए हमने इसको ऊपर पन्नी चढ़ा रखी है। अमरूद आए हुए इसके अंदर अभी भी, और नया माल भी आ रहा है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो ये नींबू की है। अपने पास जो नींबू की है, यानी दो तीन वेराइटी आपने यहाँ नींबू की उगा रखी है, अलग अलग वेराइटी आपको बताएंगे, अलग अलग पौधे उगा रखे हैं। ये आप देख सकते हो ये देसी नींबू है जिसके अंदर छोटे छोटे नींबू लगते हैं, यानी माल आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फल आया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए आप देख सकते हो चारों तरफ, ये है देसी पौधा अपने नींबू का। और दूसरी वेराइटी में आप नींबू का एक पौधा और है हमारे पास जिसमें बड़े नींबू आते हैं। ये देखिए इसमें भी माल आया हुआ है, काफ़ी मोटे नींबू आते हैं ये, इनकी साइज़ लगभग अमरूद की तरह होती है बड़ी बड़ी, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो दूसरा पौधा जो हमने ये लगा रखा है नींबू का, वो हल्का लंबी साइज का है। ये देख सकते हो ये 12 ही महीने इस पौधे के ऊपर माल आया हुआ रहता है, हमेशा माल लगा हुआ रहता है, और नया फाल भी आ रहा है, माल लगा हुआ भी है। और ये तीन वैरायटी हमने नींबू की उगा रखी है। ये एक पौधा आप देख सकते हो जिसको बकरियां खाती है, और छाया की व्यवस्था के लिए हमें इसको तैयार किया हुआ नर्सरी के अंदर। ये देखिए अलग अलग टहनियाँ लगा रखी है हमने, तो इसकी सिर्फ छाया होती है, ये फलदार पौधा नहीं है। आप देख सकते हो बड़े बड़े फूल आते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये छाया के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसका ये पौधा आप देख सकते हो जो कि केरुंदे का है, और इसके अंदर फूल आना स्टार्ट हुए हैं, अभी माल आया नहीं है इसके अंदर। बारिश के टाइम में माल आना अच्छे से हो जाएगा स्टार्ट, आप देख सकते हो। ये देखिए ये केरुंदे का पौधा है, ये हमने घर पे उगा रखा है। ये देखिए फूल आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर, ये भी बिल्कुल नींबू की तरह ही लगता है, लेकिन ये केरुंदे का पौधा है, आप देख सकते हो इसमें अभी फूल आ रहे हैं। ये एक और पौधा है जो कि हमारे जो चमेली बोर आते हैं, चमेली बोर का पौधा लगा रखा है, जो बोर्डी का पौधा होता है, इसकी हम हर साल कटिंग करते हैं, उसके बाद भी दोबारा इतना बड़ा हो जाता है, आप देख। ये पौधा आम का भी हमने लगा रखा है, आप देख सकते हो ये काफ़ी छोटा है अभी, ये क्योंकि हमने पिछले साल ही लगाया था, अभी एक साल का हुआ ये पौधा। ये देख एक पौधा हमने अनार का लगा रखा, आप देख सकते हो किसान साथियों, जैसे कि ये देखिए ये लगभग 2 से 2.5 साल का हो गया है, इसके अंदर भी माल आया हुआ है, फूल भी आ रहे हैं नए हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखिए ये अनारें लग रही है इसके अंदर, आप देख सकते हो, यानी काफ़ी अच्छा पौधा है, अच्छे से फल आया हुआ है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो। आप देख सकते हो हमने कुछ पपीते के पौधे भी उगा रखे हैं, इसमें जो पका हुआ माल था वो तोड़ लिया, अभी कुछ कच्चा माल लगा हुआ है और कुछ फल भी आ रहा है, यानी घर के हिसाब से जो नॉर्मली हमने पौधे उगा रखे हैं वो आपने आपको दिखाए हैं। दूसरा आपको दिखाते हैं कि जो हमने इधर गायों के लिए बेस्ट वगैरह के लिए जो हमने चारा उगा रखा है, यानी ये नॉर्मली घर के पास में नज़दीक में उगाया हुआ है। हाँ तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और कमेंट में बताना आपने भी जो घर पे पौधे उगा रखे हैं उनके बारे में। आप देख सकते हो हमारे घर पे जो हमने पौधे लगा रखे हैं उनकी जानकारी दी है, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना।